बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल BSC ओनली में। मैं एक नए पेपर के साथ आया हूँ, BSC के इंडियन एग्जामिनेशन 2018 ओल्ड कोर्स हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर है। खंड अ, निम्नलिखित काव्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, सभी के अंक समान है। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, कहता है कौन की भाग्य ठगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा, कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो ग्रहस जगा है मेरा। अथवा मैं तो नद का परमार्थ इसे मानूंगा, हित उसका उसे अधिक कौन जानूंगा, जितने प्रवाह हैं बहे अवश्य बहें वे, निज मर्यादा में किंत सदैव रहे। ख, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील पिछिफाए है जिसमें सुख गात। अथवा वे जो यमुना के सिकछार पद फटे बिबाई के, उधार खाए के मुख जो पिए तेल, चमरौधे जूते से सकेल निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल क्षण प्राण से रहित व्यक्ति हूँ, पूंजू ऐसी नहीं सकतीगा। इस धारा सी जंग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत, संगम शाश्वत, नव का नीला विकास शाश्वत, शशिका या रजत हास शाश्वत, लघु लहरों का विलास। अथवा स्तब्ध ज्योत्सना में सब जब संसार चकित रहता, शिश्वानदान विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब, स्वप्न आ जा न जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण देता मुझको मौन गा, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे हैं तुझसे ज्वाला कण, विश्व चलभ सिर धुन कहता मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिर सिहर मेरे दीपक जल। अथवा अपहरण शोषण वही कुत्सित वही अभियान, खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्साह, शील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार, दौड़ना रह उठा उन्माद की तलवार। खंडबा, आलोचनात्मक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के अष्टम सर्ग की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। अथवा जयशंकर प्रसाद की कामानी पर संक्षिप्त निबंध। अथवा सरोज स्मृति के आधार पर नीराजा की व्यंग योजना पर प्रकाश डालिए। ख, परिवर्तन कविता की विषय वस्तु को स्पष्ट कीजिए। अथवा नीर भरी दुख की बदली कविता के निहितार्थ को स्पष्ट कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र के छठे सर के आधार पर युद्ध और न्याय को स्पष्ट कीजिए। खंड सा, लघु उत्तरी प्रश्न, निम्नलिखित पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी अंकों के प्रश्न समान है। श्रीधर पाठक की रचनाओं के नाम लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान और स्वतंत्रता आंदोलन। हम बिस्पाई जन्म के पुस्तक के रचनाकार। चौथा, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह का नाम है मुकुल धैर्य वरदान राष्ट्र है। सिंहासन हिल उठे प्रसिद्ध काव्य पंक्ति की लेखिका हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोबती, राजबाला घोष। कामायनी के प्रमुख पुरुष पात्र हैं मनु, शिव, कृष्ण, इला। करने गत कर्मों का अर्पण पाव्य पंक्ति किस कविता से ली गई है? राम की शक्ति पूजा, जगत के जीर्ण पात्र, सरोज स्मृति, सोन जूही। पंत की किस कविता में गंगा नदी का चित्रण किया गया है? मौन निमंत्रण, नौका विहार, सोन जूही, जूही की कली। चार, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल पंक्ति महादेवी किस कविता से संबंधित है? नीर भरी दुख की बदली मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तोड़ तो तुम यहाँ क्षितिज कौन तुम मेरे हृदय में। छह, भारत वंदना किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रसाद। या, हम अनिकेतन किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा, नवीन प्रसाद, पंत, निराला। हिम तरंगनी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन प्रसाद, पंत। झांसी की रानी समाधि पर कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, प्रसाद पंत। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।